लोकसभा में आम आदमी पार्टी के संगरूर से सांसद सरदार भगवंत मान पर संसद भवन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। दरअसल उन्होंने मोबाइल फोन के कैमरे से अपने घर से संसद भवन के अंदर तक का लाइव वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया है। सभी पक्षों के सांसदों का कहना है कि सरदार भगवंत मान ने संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वे मुख्य गेट से दाखिल होते हैं और फिर संसद पहुंचते हैं। संसद के जिस कोने में वह दाखिल होते हैं उसकी बकायदा कमेंट्री भी की गई है। इस संबंधी कांग्रेस की नेता श्रीमती आशा कुमारी ने कहा कि इस मामले में जांच की ज़रूरत है कि क्या ये सिर्फ बेवकूफ़ी भरा कदम था या किसी एजेंसी के प्रभाव में ऐसा किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में 2017 के चुनाव के लिए अहम मुद्दा नशा तथा बेरोजगारी होगा। पर ये हाउस की जो भी मर्यादा या गरिमा होती है उसको किसी भी सांसद को या किसी भी विधायक को तोड़ना नहीं चाहिए। ये सुमित्रा महाजन जी देखेंगी, जो स्पीकर हैं उनके रूल्स के मुताबिक जो होगा वो जरूर करेंगी। अमरिंदर सिंह जी सबका वेलकम कर रहे हैं कांग्रेस में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नवजोत सिद्धू का ही नहीं, उन्होंने ये कहा कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, 130 साल पुरानी पार्टी है, कोई भी आना चाहे, जो कोई में नवजोत सिद्धू भी इंक्लूडेड हैं। जहाँ तक नवजोत सिद्धू जी के राज्यसभा से इस्तीफे का सवाल प्रश्न है, वो उनका निजी मामला है, पार्टी के अंदरूनी मामला है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है और नवजोत सिद्धू क्या कह रहे हैं, ये सब अलग अलग बातें हैं। कल मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबको पता लग जाएगा। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, निश्चित तौर पर ड्रग्स जो एंटी ड्रग मूवमेंट है कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई गई, निश्चित बड़ा मुद्दा है पंजाब के लिए।